हसायन थाना क्षेत्र के गांव धर्मपुर नगरिया पट्टी देवरी में एक महिला को केरोसिन डालकर हत्या करने का आरोप उसके पिता द्वारा लगाते हुए थाने में तहरीर दी गई है। हसायन थाना क्षेत्र के गांव धर्मपुर नगरिया पट्टी देवरी निवासी पवन पुत्र पप्पू सिंह की शादी 4 साल पूर्व बारा समस्तपुर थाना सकरोली जिला एटा के भमरपाल सिंह की पुत्री मधु के साथ हुई थी, जिसके 1.5 वर्ष की एक पुत्री है। पिता भमरपाल का आरोप है कि मेरी पुत्री का पति पवन सास बेबी व बहन और बहनों आए दिन उसके साथ मारपीट करते थे। हमने अपने सामर्थ्य के अनुसार हिंदू रीति रिवाज से दान दहेज देकर शादी की थी, मगर कुछ दिन बाद पवन के प्रभारी जन हमारी पुत्री के साथ मारपीट करने लगे और 1 लाख की दहेज में मांग करने लगे। इस बार हमने उन्हें कई बार समझाने बुझाने का प्रयास किया मगर ये नहीं माने। आज प्रातः इन परिजनों द्वारा हमारी पुत्री मधु के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी गई, जिसकी मौत हो गई है। वहीं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए देर शाम तक परिवारजन थाने में मौजूद थे। समाचार लिखे जाने तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। कहाँ की रहने वाली हो? बारे में कोतवाल मृदुल कुमार सिंह द्वारा जानकारी चाहिए तो उन्होंने फिलहाल कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। कौन कौन ने आग लगाई आपकी? पानी लाओ है। अरे पानी लाइयो, वो ला रहे पानी ला रहे। हाँ, नाम बताओ कौन कौन है? राजेश। राजेश कौन है? अरे राजेश कौन है तुम्हारे? आदरी। हाँ बता देना, तुम बोला तुम्हारा ब्याह लगे मेरा लगे तुम बोला। हाँ ना बोल रहा, पानी पिलाए तो बोला, जब पिलाए पानी ने पिलाए तुम्हें। हाँ तो पिलाए जा रहा हूँ। ये तुम्हारे यहाँ पे क्या मामला हुआ, क्या बात है, जो क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ गाँव कहाँ रहते हो जो है? हम बारा समस्तपुर में रहते हैं साहब। क्या बात होगी? तो हमें तो 10 बजे पता चला है कि लड़की आग लगा के मार गई है। क्या नाम था? मधु नाम था। अच्छा, शादी कब की थी आपने? शादी है 4-5 साल का। 4 साल है? 4 साल है। ये बच्चे हैं उसमें? एक लड़की ये सब पैदा भाई 6 महीना गई है। क्या नाम है भैया आपका? हाँ जी, मेरा नाम भंवर सिंह है साहब। जी हाँ। क्या हुआ था आपकी गुड़िया के साथ? मैं साहब, मुझे लड़की की साथ में चार साल रही शादी कर जी, और उसने वो तंत्र गड़बड़ी का तो आया हो जी। अब वो कहता हूँ कि मैं 1 लाख रुपया दें तंत्र ने मार के। अच्छा, फिर आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज ऐसा हुआ था, हमें तो 10 बजे काम में घर पड़ गया था। अच्छा, कोई ना काम बचती को ना काम में फोन ना करो। अच्छा, हम देख देख के फिर एक रिश्तेदार में फोन करो। अच्छा, तो क्या फोन किया था? कहते हैं लड़की में आग लगा के मार दी है। अच्छा। राजेश पवन उसकी मेहताई है। और कोई थाने में आपने तहरीर दे दी? हाँ जी दे दी। अभी मुकदमा दर्ज हो गया कि नहीं? अब दे रहे हैं बनाए, अभी दर्ज तो कर लिया उन्होंने वो किसी को कोई। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।